सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, अभी ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत सारी दुविधाएं चल रही है कि मैं आपके सारे आईटीआई से रिलेटेड, आईटीआई से पहले कि आईटीआई क्यों करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और आईटीआई अगर हम कर लेते हैं तो हमारे क्या क्या स्कोप है, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मतलब आपके सभी क्यों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कोशिश करेंगे एक अच्छा सा कंटेंट आप तक पहुंचे और आप इन चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करें और बताए गए रास्ते पर चलें और मंजिल आपको भी मिले। तो प्यारे बच्चों, आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नाम ही है, उद्योग में प्रशिक्षित रूप से जाने के लिए यह संस्थान खोला गया है। एलिजिबिलिटी क्या है? 10th पास होना चाहिए, संस्कृत बोर्ड से नहीं, मैथ और साइंस एक पेपर होना चाहिए। 12th पास भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है अकॉर्डिंग टू ट्रेड। उसके बाद हम आते हैं कोर्स ड्यूरेशन में, एक साल का भी है और दो साल का भी कोर्स आपका, एक साल का वन ईयर कोर्स भी है और दो टू ईयर कोर्स भी है। फिर हम आते हैं एज में, 14 से लेकर 37 साल के बच्चे, बूढ़े, अधेड़ और नौजवान सब लोग आईटीआई कर सकते हैं। 37 साल तक भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसमें जीयूआर के लोग भर सकते हैं। आप अगर अनरिजर्व्ड है तो ओबीसी एससी एसटी के लिए तो आप इसी में एज जोड़ लीजिए। फिर हम आते हैं आईटीआई ट्रेड जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है। कौन कौन ऐसा ट्रेड है जो गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है? तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टर्नर, वेल्डर, एमआरएससी और वायरमैन, ये सब आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है। जिसमें सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट जॉब आपको दिलाएगा वो है इलेक्ट्रीशियन, ये आपको एक नंबर में गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। ये फिटर है, ये आपको दो नंबर में गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, ये आपको तीन नंबर में गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा और ये आपको चार नंबर में गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा और ये सारे के सारे पांच नंबर में गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे। यानी सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो वो एक नंबर में है, और सबसे ज्यादा अगर प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी देखें तो डीजल मैकेनिक वालों को प्राइवेट जॉब ज्यादा मिल जाएगा। इन लोगों को भी मिलता है प्राइवेट जॉब, लगभग इनमें से सबको मिल जाता है। लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब जो क्रिएट हो रहा है वो इलेक्ट्रीशियन वालों को और फिटर वालों का हो रहा है, इलेक्ट्रीशियन का भी और फिटर का भी, और साथ ही साथ डीजल में मेनली, ये दोनों अगर हम कहते हैं इक्विवेलेंट ही है। उसके बाद डीजल मैकेनिक भी आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं। उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक की वैकेंसी कहाँ कहाँ आती है किस ट्रेड की, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिटर आईटीआई कोर्स, व्हाट इज फिटर, फिटर क्या है और व्हाट इज आईटीआई फिटर कोर्स, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी पहले ही हम बोल 10th 12th ग्रेजुएट कोई भी कर सकता है, मिनिमम क्वालिफाइंग 10th है विथ मैथ और साइंस इज वन ऑफ द पेपर। What is fitter? Fitter क्या है? चला मशीन को फिट, मशीन की फिटिंग जो करता है उसी को हम फिटर कहते हैं, ये मशीन मशीन की फिटिंग जो करता है उसी को हम फिटर कहते हैं। फिटर एक आईटीआई कोर्स है जो भिन्न भिन्न प्रकार के जिसमें कोर्स होते हैं, एग्जाम्पल जैसे जनरल फिटर होता है, बॉयलर फिटर होता है, इलेक्ट्रिकल फिटर होता है, मेरीन फिटर होता है और स्टेशनरी हार्डवेयर फिटर होता है। ये सारे टाइप के फिटर इज इक्विवेलेंट टू फिटर है, दो साल का कोर्स होता है ये। फिर हम आते हैं एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी के बारे में हमने आपको कहा कि 10th क्लास मैथ और साइंस के साथ कंप्लीट होना चाहिए। ड्यूरेशन इसका दो साल का होता है फिटर का। इसका जॉब स्कोप कहाँ कहाँ है? वेल में है, गेल में है, रेलवे में है, सेल में है, डिफेंस में है, डिफेंस में भी बहुत सारा जॉब आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी कुछ जॉब आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आता है और इंडियन ऑयल में भी आता है। ये सारे में आता है जिसमें सबसे ज्यादा जो फिटर, पहले इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आता, इसी में अगर हम और जोड़ दें तो डीआरडीओ भी एक सेक्टर इसका है, लेकिन अब इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, अब इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसकी वैकेंसी नहीं के बराबर आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि लगभग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, उसकी बहाली लगभग 2016-17 में एक चलवा मेरा दूगो सीट मात्र आया था, ऑल ओवर इंडिया उभर दिया था, होकर संजोग से हो गया। उसके बाद आज तक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसी नहीं आई, लगभग 16-17 के आसपास ये वैकेंसी आई थी। उसके बाद डीआरडीओ में भी बहुत सारे चांसेस हैं आपके लिए जो लोग फिटर से कर रहे हैं। फिर अगर हम आते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, व्हाट इज इलेक्ट्रीशियन, एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है और कैरियर जॉब के स्कोप क्या क्या है?
तो इलेक्ट्री अगर हम व्हाट इज इलेक्ट्रिशियन, तो इलेक्ट्रिशियन करने कौन लोग करते हैं, क्या उसका वर्क नेचर होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वायरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, टेक्निकल नॉलेज वगैरह में उसकी योग्यता के अनुसार उनको काम मिलता है। एलिजिबिलिटी है, 10th पास होना चाहिए, मैथ और साइंस एक पेपर होना चाहिए, संस्कृत बोर्ड वाले नहीं भर सकते। फिर आते हैं इसका जॉब स्कोप क्या क्या है, रेलवे जो कि इसका बड़ा बहुत बड़ा एक सेक्टर है, रेलवे, मेट्रो इसका एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसका एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसीलिए हमने इसको एक नंबर पर रखा था। NTPC, गेल, भेल, सेल, DRDO, ये सब इसके सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी इसका यहाँ आता है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो ये दो नंबर पे रहेगा जिसमें UPPCL, बिहार इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब अभी कमिंग सून है, सारी वैकेंसियां आने वाली। तो ये तीन हो गया। उसके बाद हम आते हैं चला जी कि मैकेनिक डीजल, मैकेनिक डीजल की अगर हम बात करें, सेक्टर हो गया आपका ऑटोमोबाइल, कोर्स ड्यूरेशन एक साल का है, एलिजिबिलिटी वही 10th पास है, ये एक ही साल में हो जाता है। डीजल की अगर हम बात करें, ड्यूटीज ऑफ डीजल इंजन मैकेनिक, तो इंजन को की देखभाल करना, इंजन डिसमेंटलिंग एवं असेंबलिंग करना, और इंजन की रिपेयरिंग करना, इंजन की का इंस्पेक्शन करना, मतलब इंजन से रिलेटेड सारे काम इनको दिए जाते हैं, इसीलिए इनका रेलवे में भी जॉब आता है, खास करके ALP में। जॉब स्कोप क्या क्या है डीजल वालों का, रेलवे में लोको पायलट एवं टेक्नीशियन, भारतीय सेना में टेक्नीशियन और एयरपोर्ट टेक्नीशियन के पद पर आप जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वही क्वालिफिकेशन, 10th पास है, कोर्स ड्यूरेशन 2 साल का है, और जॉब स्कोप इसका इसरो में है, DRDO में, HPCL, मेट्रोज वगैरह में इसका बहुत सारा ऑप्शन है। पिछली बार हमको याद है कि 6 लोग थे एक ही फ्लोर पे और 6 का ज्वाइनिंग हो गया था दिल्ली मेट्रो DMRC में। एक लड़की थी हमारे यहाँ पढ़ती थी, उनको सांस का प्रॉब्लम था और फिर भी वो 1000 बच्चे पूरे रूम में पढ़ते थे और वो मेन गेट पर खड़ी होकर पढ़ा करती थी। आज वो लड़की जॉब में है और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। हमको याद है कि उस टाइम जब ALP टेक्नीशियन जब हम पढ़ाना शुरू किए थे, मैंने खुद के लिए कुछ करने की सोची, तब उस टाइम वो लड़की हमको बहुत सारा पैसा मेरे अकाउंट में भेज दी थी, बाद में हमने उसको रिफंड कर दिया। वो अभी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में है। NTPC, सेल, इन सब जगहों पर आपको चला जी मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी। अब किनको किस ट्रेड से करना चाहिए, और दूसरा इन सब के अलावे अब ग्रुप डी में ITI को कर दिया है अनिवार्य, इन सब के अलावे ग्रुप डी में अब ITI हो गया है अनिवार्य, मामला हो गया है गड़बड़। क्योंकि रेलवे में अगर आप देखिएगा सबसे बड़ा सेक्टर जो वैकेंसी देता है वो है रेलवे, इंडियन रेलवे, और इंडियन रेलवे में लगभग तीन से चार RPF का तो अभी तक आया नहीं, मेनली हम 3 मानते हैं, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी और NTPC, जिसमें NTPC को अगर छोड़ दीजिए, 2 बड़ी वैकेंसी जो है वो है ग्रुप डी और ALP टेक्नीशियन, वो दोनों में ITI को अनिवार्य कर दिया गया, इसलिए अब ITI करना थोड़ा सा जरूरी हो गया। अब कौन बच्चा किस ट्रेड से ITI करेगा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आपकी एज, आप UR से हैं, अनरिजर्व यानी जनरल हैं, तो आप 26 प्लस के हैं, तो आप डीजल से खींचे, हो सकता है डीजल वाले, लेकिन सावधान, ग्रुप डी में मामला गड़बड़ भी हो सकता है, पहले हम बोल देते हैं, क्योंकि उसका नेचर जो है ग्रुप डी का टेक्नीशियन नेचर का है, और टेक्नीशियन में बहुत कम सीटों के लिए डीजल को अलाउ किया गया है। लेकिन फिर भी अगर आपकी उम्र 26 प्लस है और आप UR में आते हैं, 30 साल उसका मैक्सिमम एज, UR 30 साल तक रेलवे का फॉर्म भर सकता है, तो अगर यहां से आप 26/2/28 की जगह 2 वर्षीय, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अगर 26 साल के हैं तो आप 1 साल का कर लीजिए डीजल से। अगर आप 26 माइनस में हैं, 26 से कम में हैं, तो एक देखिए, ये मत बोलिए कि अब ALP पकड़ाएगा कि नहीं, ग्रुप डी पकड़ाएगा कि नहीं, नहीं पकड़ाएगा तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये एक सेफ हैंड आपके लिए हमेशा रहेगा। 26 माइनस में आप आते हैं तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए इलेक्ट्रीशियन से करने का। हम ये भी बताने वाले हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कैसे क्या मामला है। उसके बाद अगर नहीं होता तो फिटर से कीजिए, फिटर से नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से कीजिए। 1 नंबर में इलेक्ट्रिशियन, 2 नंबर में फिटर, 3 नंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। फिर ओबीसी वाले जिनकी एज 28 प्लस है, 28 प्लस अगर आपकी एज है, तब आप डीजल से कीजिए। अभी मत कहिएगा पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, हो सकता है पकड़ा जाए, हो सकता है ना पकड़ाए, ठीक है, चूंकि ऑलरेडी वैकेंसी पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, तो आप एक सेफ हैंड में कर लीजिए। हो सकता है इनको पकड़ाए, हो सकता है नहीं पकड़ाए, लेकिन इनको तो आगे वैकेंसी पकड़ाना ही पकड़ाना है। 28 माइनस वाले इलेक्ट्रिशियन से कीजिए, नहीं होता तो फिटर से कीजिए, नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से कीजिए। उसी तरह आप SC ST में आइएगा, जिनका 32 प्लस उम्र है वो डीजल से कीजिए, जिनका 32 माइनस है उसी आधार पे आप या तो इलेक्ट्रिशियन से कीजिए, नहीं होता तब फिटर से कीजिए, नहीं होता तब इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से कीजिए।
फिर एसटी वाले जो 33 प्लस हैं वो डीजल से कीजिए, 33 माइनस वाले हैं वो है पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिशियन, फिर फिटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या, ये कंप्लीट चला इंफॉर्मेटिव वीडियो है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपके जीवन को बदलेगा। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज का क्या मामला है मेरे दोस्त, प्राइवेट कॉलेज में जब गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाते हो तो ऐसा ऐसा ट्रेड आपको दे देता है जेकर वैकेंसी ही नहीं आता है। जैसे आपको दे देगा बुक बाइंडर, अब बुक बाइंडर की वैकेंसी ही नहीं है। तो ट्रेड इंपॉर्टेंट है, कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कॉलेज में भी क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। ट्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलेज सेकेंडरी है, कहीं का कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो कंडीशन। लेकिन एक कॉलेज में है जो प्राइवेट कॉलेज से आप करिएगा, वो बहुत सारे ऐसे कॉलेज वाले हैं जिनकी एनसीबीटी ने मान्यता रद्द कर दी है, और एससीबीटी, एनसीबीटी हो गया सेंट्रल की एजेंसी जो आईटीआई वालों को देखती है, और एससीबीटी हो गया राज्य की एजेंसी जो आईटीआई वालों को देखती है। तो अब मामला क्या फंसा है, मामला ये फंसा है बहुत सारे कॉलेज का एनसीबीटी ने मान्यता रद्द कर दिया, लेकिन यहां एससीबीटी ने मान्यता रद्द नहीं किया, उसका डॉक्यूमेंट्स आगे नहीं बढ़ा है, वो रद्द नहीं कर रही है, तो वो लोग एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं तो भैया अभी भी मेरे पास कल परसों एक लड़का आया और उसका एएसएम का फाइनल ज्वाइनिंग रोक दिया गया, एएसएम का फाइनल ज्वाइनिंग उसका रोक दिया गया, इसलिए सिर्फ प्रोविजनल दिया जा रहा है जो एससीबीटी दे देती है। एनसीबीटी से जो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट बन के आएगा वो है ये नहीं, क्योंकि कॉलेज की मान्यता ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है, लेकिन कॉलेज वाला आपको बताएगा नहीं। तो प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करते हैं तो सावधान, आपको सोच समझ के करना है, जांच परख के करना है, कोई जान पहचान का हो तभी आप उसके थ्रू कॉलेज में एडमिशन लीजिए। कहीं भी आप पता चला किसी के पास जाके कोई भी एडमिशन नहीं ले लेना है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखना है। कॉलेज की जांच पड़ताल जरूर करें, और या कोई जान पहचान का आदमी हो जो वहां से किया हो और आपको 100% ये पता हो कि वो एनसीबीटी से उसकी मान्यता है तभी आप करें, ना तो ना करें, नहीं तो वो डिग्री लास्ट टाइम में भी आपके रोने का एक साधन बन जाएगा। तो जरूरी क्या है, देखिए ब्रांच जरूरी है कि आपका ब्रांच कौन सा होता है। हम बोले अगर एक वर्षीय तो डीजल, दो वर्षीय तो पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिशियन, दूसरा ऑप्शन फिटर, तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, और चौथा में अन्य 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 आप ले सकते हैं। सी का लोचा हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 5,000 से 6,000 में हो जाएगा, जबकि अगर प्राइवेट कॉलेज में आप जाइएगा तो आपको लगभग 25,000 के आसपास आपको फी देना पड़ेगा, और उल्टा जगह पे कहीं पड़ गए तो 35,000 के आसपास आपको फी देना पड़ सकता है। पहले आपको कहेगा 17,000 में कर देंगे, 20,000 में कर देंगे, आप बाद में धीरे धीरे कहेगा कि आपको एग्जाम फी देना पड़ेगा, फिर आपको कहेगा एग्जाम मैनेज फी देना पड़ेगा, फिर आपको कहेगा सर्टिफिकेट फी देना पड़ेगा, फिर आपको कहेगा कि भैया प्रैक्टिकल फी देना पड़ेगा। पहले 17,000 कहेगा, बाद में 35,000 पूरा लेगा। तो जो आपको वन टाइम प्रॉमिस करेंगे नहीं हम आपको इतना में ही कर देंगे और इसके अलावा एक भी रुपया नहीं लेंगे, और एनसीबीटी एससीबीटी दोनों का मान्यता प्राप्त कॉलेज से करवाएंगे, आप वहां से जाके कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज वगैरह में आप एक दिन जाइए प्रैक्टिकल देने और एक दिन आपको एग्जाम देने जाना होता है, तो आपका काम हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्लास की रेगुलरिटी, आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में करोगे तो आपको क्लास की रेगुलरिटी, वो कहेगा क्लास रेगुलर कीजिए, कहीं कहीं नहीं हो कहता है लेकिन अधिकतर कह देता है कि क्लास रेगुलर कीजिए, तो वहां फिर आप फंस जाइएगा। पता चला 2 साल आईटीआई करने में लगा दिए, आप फाइनली हमको कुछ नहीं मिला, 2 साल इधर तैयारी करते हैं, उधर से अगर हमको प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई की डिग्री मिल जाती तो हमारा काम हो जाता। दूसरा, अगर आप परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज आपको प्राइवेट कॉलेज में प्रैक्टिकल वगैरह में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिए। अगर आप थोड़े से एवरेज और बिलो एवरेज हैं तब आप प्राइवेट कॉलेज से भी आईटीआई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं चला जी कि कुछ डाउट है जो सब लोग पूछता है कि आईटीआई में कितना फी लगता है। आईटीआई की फी की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज में निग्लिजिबल फी है, 2-4 हज़ार में आपका काम हो जाना है। लेकिन अगर आप जैसे हम लोग, मेरा खुद का भी आईटीआई कॉलेज है, मेरा खुद का आईटीआई कॉलेज है और हम लोगों के यहाँ से भी आईटीआई होता है, ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना बच्चा कि वो बाहर से करता है और उस हम लोग जिससे भी बात, मान लो कि मेरा कॉलेज है तो हमको पता है कि क्या होना है, और अगर हम किसी कॉलेज वाले को बोलते हैं कि ठीक है आप इस बच्चे का एडमिशन कर दीजिए और इससे इतना पैसा ही लेना है, इसके बाद नहीं लेना, तो वो क्या करता है ना कि वो हमारे ऊपर, हम उसकी जाँच पड़ताल करते हैं तभी बच्चा को भेजते हैं, नहीं तो नहीं भेजते, और एक ही बार बोलते हैं कि भैया तो इतना ही पैसा तुमको लेना, इससे ज्यादा पैसा 1 रुपया नहीं देने दे। और ये हम पहले नहीं करवाते थे लेकिन अब करवाते हैं, क्योंकि अब चला लगता है कि नहीं चलो मेरे पे बच्चा ट्रस्ट कर रहा है और हमको जानकारी है तो क्यों ना हम कॉलेज से जुड़ के, या मेरा खुद का कॉलेज है तो हम उसमें बच्चों का एडमिशन करवा दें ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, नहीं तो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही,
बहुत ज्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा दिक्कतें हो रही। लास्ट टाइम में मेरे पास चार दिन पहले एक लड़का आया है, एससीबीटी से मान्यता है, एनसीबीटी से मान्यता नहीं, और मामला गड़बड़ा गया। तो अगर आप चाहें तो यहां, अगर आप पटना में हैं या पटना के आसपास के शहर में, तो और आज और कल में आके आप एडमिशन ले सकते हैं। कल भी ऑफिस खुला हुआ रहेगा जिन लोगों को लेना होगा, नहीं तो आप अगल बगल में अगर कोशिश कीजिए तो वह ज्यादा बेहतर है। आपके बगल में अगर कोई है तो आप वहां से ले लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो जानकार लोग हैं उनके थ्रू ही आप एडमिशन लें तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग जो एडमिशन दिलवाते हैं तो ये फिक्स कर दिए कि भैया एक बंदा रखे हैं, वो 1000 रुपया वो लेता है और बाकी पैसा जो है कॉलेज वाला को दे देता है, और कॉलेज वाला जाके वो 100% एक्यूरेसी के साथ उसका सर्टिफिकेट उसके हवाले कर देता है। तो आपके भी कोई चचा फुआ कोई होंगे या आपके अगल बगल में कोई कॉलेज वाला होगा जिनके आपकी जान पहचान हो, तो आप वहां से कर सकते हैं एडमिशन में। आईटीआई में अगर हम बात करें तो आप 2 वर्षीय अगर करते हैं तो आपको 25,000 के अप्रॉक्स लग जाएगा। जो आपको कहेगा 16,000 में करवा देंगे, 23,000 में करवा देंगे, 22,000 में, तो समझिए फिर एग्जाम फी अलग से लेगा, प्रैक्टिकल फी अलग से लेगा, एग्जाम मैनेज फी अलग से लेगा, तो वो आपको परेशान करेगा। उसको आप पहले बता दीजिए भैया हम इससे 1 रुपया और प्लस 365 रुपया आपको वो एनसीबीटी का जो फॉर्म भरने का फी है वो लगता है। तो आप उनको पहले बोल दीजिए भैया हम 1 रुपया नहीं देंगे, इतना ही पैसा देंगे, इससे $1 आगे नहीं देंगे। तो अगर उसमें मन है तो आप कर दीजिए, नहीं तो मत कीजिए आप। फिर एडमिशन कब से शुरू होता है? एडमिशन ऑलरेडी इस सेशन का 2022-24 का ऑलरेडी चल रहा है। अब जो आप 3 दिन के बाद करवाओगे तो 23-25 में हो, मतलब आज और कल में जिसका एडमिशन नहीं होना है उसका एडमिशन फिर आगे अगर डेट बढ़ा दिया, बढ़ा भी सकता है, बढ़ा दिया तो फिर आपका होगा, नहीं तो फिर 23-25 में आपका एडमिशन होना है। और अगर आप बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको आईटीआई करना चाहिए। बेस्ट ट्रेड कौन सी है? तो बेस्ट ट्रेड हम बता दिए कि भैया 1 वर्षीय में डीजल और 2 वर्षीय में पहला इलेक्ट्रिशियन, दूसरा फिटर, देन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। आईटीआई के बाद जॉब के चांस कितने हैं? मेरे ख्याल से तो 100%, अगर आपकी आंखें ठीक है या नहीं है तब भी। आंख ठीक है तो रेलवे, नहीं ठीक है तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी, यूपीपीसीएल। मतलब आईटीआई करने के बाद जॉब ना हो ऐसा असंभव है, मैं उसको जॉब दिलवा दूंगा। कोई भी तुम्हारा चचा का बेटा, फूफा का बेटा, मामा का बेटा हो मेरे पास लेके आ जाओ, आईटीआई कर लिया तो उसको जॉब दिलवा देंगे 1 साल के अंदर, 1 साल का टाइम लेके आएगा। और जो जो बोलेंगे वो टेस्ट देना पड़ेगा, वैसे वैसे उसको पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो जो तुम बोल दो 100% नहीं होने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद आते हैं हम, ग्रेजुएट हो गए हैं अब आईटीआई कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ आईटीआई कर सकते हैं, एकदम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आप भूल चूक से कर भी लिए तो 1 ही डिग्री यूज कीजिएगा, 2 डिग्री एकदम नहीं यूज कीजिएगा। तो ये आपसे जुड़े हुए सवाल थे। और अभी एडमिशन उनका चल रहा है, अभी लास्ट डेट शायद कल तक का है। जो बच्चे कहीं भी लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं, यहाँ भी हमारे सेंटर पे भी, पटना मुसल्ला पुराट मेन गेट के सामने, यहाँ भी हम लोग कल तक एडमिशन लेंगे। चूंकि मेरा खुद का भी कॉलेज है तो वहां से भी आप ले सकते हैं, अगल बगल में जहां से दिल करे वहां से लीजिए, लेकिन जान पहचान जांच परख कर उनसे बात करके कि भैया आप एनसीबीटी एससीबीटी का वो सर्टिफिकेट दिखा दो तभी हम आपके यहाँ एडमिशन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और उसको नेट पे आप चेक भी कर लो और चेक करके आप एडमिशन ले लो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।